नमस्कार, leluram.com में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष। बीते रविवार को फिल्म बाटला हाउस का टीजर रिलीज किया गया। 26 सेकंड के इस टीजर में जॉन अब्राहम आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉन अब्राहम अपनी पिछली कई फिल्मों की तरह ही इस बार भी पुलिस वाले की सशक्त भूमिका में है। दरअसल में यह फिल्म 2008 के दिल्ली के जामिया नगर में स्थित बाटला हाउस एनकाउंटर पर बनी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर की पूरी कहानी। बाटला हाउस आगामी 2019 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है, जो कि बाटला हाउस एनकाउंटर के वास्तविक जीवन घटना पर आधारित है, जिसे निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है। जॉन अब्राहम फिल्म में ACP का किरदार निभाएंगे। टी सीरीज के भूषण कुमार, निखिल आडवाणी और जॉन अब्राहम मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाटला हाउस नाम की ये फिल्म 15 अगस्त के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म से 26 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया है। फिल्म में जॉन अब्राहम का रोल संजीव कुमार यादव का होगा, जिसकी बाटला हाउस एनकाउंटर में बड़ी भूमिका होगी। जॉन अब्राहम की पूर्व में बनाई गई सत्यमेव जयते की प्रोड्यूसर टीम की तरफ से बनाए जाने वाली बाटला हाउस एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी। रितेश शाह की लिखी इस कहानी को निखिल आडवाणी डायरेक्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर। दरअसल में मुठभेड़ का यह मामला 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस के फ्लैट संख्या L18 का है। इस मुठभेड़ से 6 दिन पहले राजधानी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 26 लोग मारे गए और 133 लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया कि बम ब्लास्ट को आतंकी गुट इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है। घटना के 6 दिन बाद 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी बाटला हाउस स्थित एक मकान में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम जामिया नगर के बाटला हाउस के L18 मकान में छिपे इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ में 2 कथित चरमपंथी मारे गए और 1 फरार हो गया। इन्हें दिल्ली धमाकों के लिए जिम्मेदार बताया गया। मुठभेड़ में घायल इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 घंटे के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। फिल्म बाटला हाउस इसी की कहानी कहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।